अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, कैसे चल रहे हैं आप सबके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और ईद की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? भाई रमज़ान में एक इफ्तारी हम बहुत ग्रैंड करते हैं अपने घर पे, जिसमें हम सब अपने जाने वालों को इन्वाइट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ ड्रेसेस लिए थे अपने लिए, अम्मा के लिए, अनिया के लिए, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और आपको दिखाते हैं कि भाई क्या आइडियाज़ हैं मेरे पास स्टिचिंग के लिए। तो चलें चलते हैं। एक सूट है मैंने बारोक से ऑर्डर किया था, इनकी लग्जरी एम्ब्रॉयडरी लॉन कलेक्शन से। तो ये देते हैं भाई स्टिचिंग के लिए। बड़ा प्यारा बेबी पिंक कलर है, और ये है इसका शर्ट ट्राउज़र सेम है। ये इसके दामन के पैचेस हैं, ये इसके गले का पैच है, और ये आई थिंक इसके बाजू का है, और ये सिर्फ दुपट्टा है इसके साथ। तो जैसा बना हुआ है आपने वैसा ही बनाना है, सेम जैसे ये अप्ले कोई भी है इधर और सारा। क्योंकि ये सिल्क का दुपट्टा है और इतना अच्छा स्टे नहीं करता, तो मैंने बोला है कि इसके ऊपर हल्की सी क्रोशे की लेस लगवा दें। दूसरा ड्रेस ये है, ये भी बारोक का ही है और ये ब्लैक एंड वाइट में है। इसके साथ भी ढेर सारे पैचेज हैं, तो दिखाती हूँ। ये है सेकेंड सूट, ये आई थिंक शर्ट है, ये ट्राउज़र है, ये दुपट्टा है, और ये अच्छा ये दुपट्टे सही है। इसके ऊपर एप्लिक हुआ हुआ है ना सारा, ठीक है। मुझे इतनी डिज़ाइनिंग की सोचना नहीं पड़ा क्योंकि इसमें बड़े अच्छे स्टिच हुए हुए हैं, तो मैंने बोला कि इसी तरह बना दें दामन और प्लस बाजू। अच्छा इसकी ये वाली आप बता रहे हैं कि ये दुपट्टे के पल्लू, दुपट्टे के पल्लू दामन आगे पीछे, ठीक है। ये देखिए सही है, दामन आगे पीछे और दुपट्टे के पल्लू, ये आपका गला। अच्छा हाँ गला भी, गला तो मैंने देखा ही नहीं। ये आपके बाजू में सही है, ठीक है, सेम बन गया सही है। ये है एक सूट जो अनिया ने मुझे ईद के लिए दिलाया था, ये सैफायर का है और बड़ा प्यारा सा इसका कलर है। हाँ इसका 14 इंच वाला ट्राउजर जो फ्लेयर वाला, ये इसका डिज़ाइन है, बेल बाजू है, स्ट्रेट ट्राउजर है, स्ट्रेट शर्ट है, ये गला बोट शेप्ड है, और इस पर भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और जरी वाला काम है। भाई मास्टर साहब को कपड़े दे दिए और उनको ताकीद की है कि भाई टाइम से देने, बहुत अच्छे सिलाई करनी है। अब हम आए आरएस के घर पे, अम्मा को ड्रॉप करना, उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी कुकी ऑर्डर्स की ग्रोसरी लेने के लिए आबिश के साथ। तो अम्मा ओके फिर चलो ठीक है, मैं आबिश को भेजती हूँ, आप उसके साथ चली जाना। ओके बाय बाय। आबिश आ रही है, आप भी आ रही हो? आ जाओ। हेलो कैसी है मारा? देखो रमजान मुबारक, आपको बॉक्स मिला था मेरा? हाँ। कैसे जा रहे, रोजे रख रही हो? हाँ। झूठ, आप तो छोड़ती हो, आप तो रोजे नहीं रख सकती। अच्छा चलो आबिश को बोलो जल्दी से आ जाए, ठीक है। वो आ रही है, देखे आए। आपको क्या चाहिए, चॉकलेट खानी है, चिप्स खाने, क्या खाना है, क्या ले? नहीं नहीं मुझे बताए ना, बीमार हुई थी। बीमार हुई भी, कैसे बीमार हो गई? देखो आबिश आ गई, आबिश आ गई है, हमारी आबिश आ गई। वालेकुम अस्सलाम। चले आबिश मेरा कुकी का ऑर्डर है, हाँ चीजें लेने जा रही हूँ मैं। मुबारक आपने जो कुकी का भी शुरू, हाँ आपने कहा था ना कि अब आजी आप शुरू करेंगे इंशाल्लाह, देख लिया। मैं भी ऑर्डर करूंगी आपसे। नहीं नहीं आपको ऑर्डर की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही भेज देंगे। हाँ चले आ गए हम डी वॉट्स, हमारा बेचारी अभी स्लिप होते होते बची है ना हमारे। चले चलो एग्स हो गए हैं, अभी आ गया है वनीला एसेंस, लेते हैं ब्राउन शुगर और कैस्टर शुगर। मैं आपका पैर ग्रोसरी कर लिया मारब के लिए और आबिश बच्चों के लिए चीज़ें ले रही। बताएं ना मारब, आप ये खाती हो या ये वाली खाती हो? जल्दी 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 जल्दी, कुछ भी नहीं खाती। तो गाइस हमारी ग्रोसरी सारी हो गई कुकीज़ के लिए, बच्चों के लिए मैंने थोड़े से स्नैक्स लिए हैं। अब चलते हैं आरज और शादान को भी सरप्राइज करते हैं, होपफुली दे लाइक देम, उनकी पसंद की चीज़ें ली हैं मैंने, क्योंकि ना मुझे आबिश बता रही थी ना मुझे मारब बता रही थी भाई क्या लेना है। तो बच्चों के साथ थोड़ी चिलिंग करेंगे फिर घर चलते हैं। और भाई बहुत बड़ा ऑर्डर है कुकीज़ का, आई हैव टू मेक अराउंड अराउंड हाउ मेनी बैचेस, आई थिंक 4 बैचेस मैंने बनाने कुकीज़ के ऑफ 12 सेट्स। तो विश मी लक कि खैर खैरियत से सब हो जाए। भाई सबसे पहले छोटे का हक है, तो ये रही मारक की चीज़ है। थैंक यू, वेलकम। आरिस को बुलाओ और शादान को भी और आबिश को भी।
अच्छा जी, तो मैं आ गई थी घर और जल्दी से भाई मैंने अपनी कुकी डो प्रिपेयर की, साथ साथ बेक करती रही। मैंने अपना काम शुरू किया था रात के 12 बजे और अगले 12 बजे तक विद इन 12 आवर्स अबाउट 48 ऑफ माई कुकीज़ वर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैंने इंडिविजुअली पैक किया, बैग्स में डाला, साथ उनके प्रिंट आउट्स निकलवाए एंड सारा कुछ तैयार करके मैंने भिजवाना शुरू कर दिया था। ये आइडिया भी भाई बहुत सडनली क्लिक हुआ दैट आई शुड स्टार्ट सेलिंग माई कुकीज़ बिकॉज़ मेरे घर वालों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई वॉज एबल टू पुल इट ऑल ऑफ एंड दिस वॉज द नेक्स्ट डे। और सबसे पहले उठ के मैंने अपनी स्किन केयर की। आई ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद माई विटामिन सी। जब मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ आई यूज़ द न्यू बैरियर रिपेयर क्लेंजर बाई ब्लिसफुल। उसके बाद अप्लाई करती हूँ विटामिन सी ऑल ओवर माई फेस एंड माई नेक। उसके बाद मैं अपने करती हूँ फेस को मॉइस्चराइज यूजिंग द बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। और ये ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है। दिस सनस्क्रीन इज़ टिंटेड लेकिन ये स्किन के ऊपर इतना नेचुरल, इतनी अच्छी ग्लो देता है। और सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ थोड़ा सा ब्लश सो दैट माई फेस गेट्स अ नेचुरल फ्लश्ड लुक। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ थोड़ी सी लिप बाम एंड दैट्स इट, आई एम ऑल रेडी फॉर द डे। और इसके बाद मैं चली गई थी किचन में ऑल रेडी टू प्रिपेयर माई पाई ऑर्डर्स। For all of those who are new to the channel and don't know, I have started a business जिसमें मैं अपने chicken pot pies और cookies sell out कर रही हूँ। So if you're interested, you can message me on Instagram. I'll link the Instagram handle in the description box. And lastly, I apply my favorite body mist and this is the scent called Gingham and this is me all ready for the day. ये हो गए थे मेरे पाई के मिक्सचर्स तैयार और मैंने पफ पेस्ट्री से लेयर कर लिया था और साथ साथ हो रहे थे अवन में बेक। जैसे जैसे अवन से बेक होते जाते हैं आई रैप देम अप और मैं उनको भेज देती हूँ डिलीवरी के लिए। दिस इज़ वन पाई दैट वाज रेडी। और अब हो गया था इफ्तारी का टाइम। अनिया ने बनाया था बहुत ही मज़े का हनी चिली चिकन और अम्मा ने बनाया था आलू वाला दम कीमा विच इज़ वेरी अनयूजल लेकिन ये बहुत बहुत ही मज़े का था। और साथ हो रहे थे हमारे रोल बेक इन दी ओवन और ये जूस वगैरह, चाट, दही भले और सारा कुछ हमने कर दिया था सर्व। हेलो गाइस, तो मेरे सारे ऑर्डर्स आज के भी डिस्पैच हो गए थे पॉट पाइज के अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं तैयार हुई इफ्तार के बाद और मैं और अम्मा जा रहे हैं F10। अम्मा ने अपनी फ्रेंड के लिए कोई ड्रेस लेना था तो मैंने सोचा आपको भी साथ लेके चलते हैं। भाई हम ड्रेस लेने गए और ड्रेस ले भी लिया लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा। एक तो वहाँ पे बहुत क्योटिक सीन था, बहुत बहुत ज़्यादा रश था एंड इट वाज वेरी लाउड। तो अब ड्रेस लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ये लिया है हमने ब्लैक ड्रेस, इस पर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, चिकनकारी है, दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी है, साथ पैचेस हैं और बहुत ही प्यारा लगा। और जिनके लिए लेना था उनको डार्क कलर्स बहुत पसंद है तो फिर वी गॉट ब्लैक फॉर हर। माँ गई हुई है लेस वाली शॉप पे, उनको अपनी मैचिंग लेसेस लेनी थी तो साथ चलते हैं। ये थे अम्मा के ड्रेसेस। एक ड्रेस जो है वो मैंने उनको पहले लेके दिया था, दिस वाज बाय क्रॉस स्टिच और उसके साथ अम्मा ने ये लेस मैच की थी। और दूसरा है बरो का जो कि मैंने अम्मा को रमज़ान के लिए गिफ्ट किया था और उसके लिए भी अम्मा ने ये लेस ले ली थी। सो गाइज़ वेर बैक होम और घर आके खाना खाया है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अनदर गुड डे। आई होप आप सबको ये शॉर्ट सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।